नवाज शरीफ को वीआईपी कमरे में दोबारा मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू। जिन्ना अस्पताल के कमरे को नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक तैयार किया जा रहा है, जबकि कमरा नंबर 5 में तज़ीन व आराइश का काम भी शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज ही जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। उससे पहले उनके आने से कबल जो है तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कमरा पसंद ना आया। बात करेंगे बिलाल चौधरी से। बिलाल, ये जो कमरा तैयार किया जा रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक होगा और पूरा उतर सकेगा? जी बिल्कुल, आज 4 घंटे के का जो टाइम है वो गुजर चुका है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के रहने का जो कमरा था, जो अस्पताल में जहाँ पे उनका इलाज होना था, वो ताहाल उसका जो मामा है वो हल नहीं हो सका। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जिस तरह ख्वाहिश की थी कि इस तरह कमरे के अंदर ये फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो अस्पताल इंतजामिया की जानेब से हंगामी बुनियादों पर जो वॉशरूम का अंदर जो सिस्टम है उसको ठीक किया जा रहा है, सीलिंग को बेहतर किया जा रहा है, का जो विंडोज हैं उनको मरम्मत किया जा रहा है, अस्पताल की तस्वीरों और आइश का हंगामी बुनियादों पर काम किया जा रहा है, ताकि जो कमरा है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आइन ख्वाहिशात के मुताबिक हो। और वहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि तमाम तरह जो सहूलियात है, जैसे LED फ्रिज और इस तरह जो जो डबल बेड है वो भी रखा जाए, ताकि तमाम जो सहूलियात है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वो मयसर वहाँ पे आ सके। तो अभी अस्पताल इंतजामिया की जानेब से हंगामी बुनियादों पर 4 से 5 जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पे लगा दिए गए हैं, और हंगामी बुनियादों पर वो जो है वो वॉशरूम का सिस्टम ठीक कर रहे हैं, उसके साथ साथ बाहर जो LED लगा रहे हैं और जो देखो जो सहूलियात है वो फराहम कर रहे हैं, ताकि कमरे को जल्द। बिलाल, 5 रुकनी जो बोर्ड बना है वो क्या कहता है, कितने दिन तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को यहाँ पर ठहराया जा सकता है और उसी एतबार से ही कमरा तैयार होगा, उनके प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाएगा? जी बिल्कुल, जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से, अभी भी जो है वो प्रोफेसर जुबैर अकरम जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जिन्ना अस्पताल में दिल के, तो उनकी सरबराही में जो अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तिबी मुआयना जारी है, जिसमें उनकी ECG भी की गई है और जो दिगर उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया है, शुगर चेक की गई है, और ये अभी जो तिबी मुआयना जो है वो जारी है। अब ये जो जराये के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 3 से 4 दिन मजीद जिन्ना अस्पताल में रखा जाएगा, फिर उनकी जो जो उनकी हिस्ट्री है वो देखी जाएगी, जो दिग्गज उनके जो टेस्ट है वो रिकमेंड किए जाएंगे, और ये सारा इस वक्त जो इसको जो है वो प्रोफेसर जुबैर अकरम इसकी निगरानी में हो रहा है, क्योंकि वो दिल के यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और यहाँ पे एंजियोग्राफी की भी सूरत मौजूद है और वार्ड भी अपग्रेडेड है जिन्ना अस्पताल की, तो इसी वजह से यहाँ पे जो तिबी मुआयना है वो जारी है, और मियां मोहम्मद वाशी को 3 से 4 दिन मजीद जिन्ना अस्पताल में रखा जाएगा। उसी मुनासिबत से जो रूम है वो भी हंगामी बुनियादों पर तैयार किया जा रहा है, ताकि जो रहने का जो सिस्टम है, जो सहूलियत है वो जो है वो एटलीस्ट बेसिक लेवल पे जो है वो प्रोवाइड की जाए। जी ठीक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक कमरे की तज़ीन व आराइश इस वक्त जारी है। बिलाल चौधरी, शुक्रिया।